हम लोग ले रहे हैं एग्जिट बकरा मंडी से। बाकी आज हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं। सो गाइस, पुलिस वाले ने पता नहीं, आई डोंट नो, क्यों गाड़ी रोकी है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं पता नहीं क्या होता है। पापा और मेहताब अंकल ड्राइवर जो है वो देखने गए। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। अच्छा हुआ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, चालान नहीं कटा, वरना हमारे बहुत सारे 5-6 बकरे थे पूरे, वो गाड़ी हो जाती तो फिर हम इतनी दूर से कैसे बकरों को लेके जाते। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और गाइस, हालांकि मैं आप लोग को जो आपने काल भी बकरा उनके अलग लोग देखा था, उसमें हम 5 बकरे लाए थे और हमारे फैक्ट्री जाते 4 बकरे हम लोगों ने बेच दिए थे। मतलब मन तो ही था बेचने का, बकरे इतने अच्छे थे कि सब लेने के लग रहे थे, तो हम लोग ने उसको सेल आउट कर दिया। इसी वजह से हम लोग को फ्राइडे में मुड़ीसापुर बकरा मंडी आना पड़ा और फिर हम लोग ने 5 बकरे परचेज कर लिए। भाई ये देख सकते हैं, यहाँ से कुछ ऐसी मंडी है और ये भी एक्सट्रीम लेवल की, ये भी बड़ी मंडी है। गाइस यार, ये बकरा मंडी सीरियसली बड़ी नीट एंड क्लीन लगी मेरे को और बहुत अच्छे अच्छे सस्ते बकरे थे। उनको भी ले के घर जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग ले रहे हैं एग्जिट बकरा मंडी से। बाकी आज हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमारा काम बहुत जल्दी हो गया था। बाकी आप लोग देख सकते हैं, ये रहे हमारे बकरे और यहाँ से कुछ दिखती है ऐसी मंडी। तो गाइस, अभी हम लोग मंडी से बाहर आ गए। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया अली मंडी में। काल भी बकरा मंडी से और बकरे भी हम लोग को बहुत अच्छे अच्छे मिल गए। तो हम लोग ने सोचा यार बकरे मिल गए हैं और एक्सप्लोर भी अच्छी खासी कर ली थी, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया था लाइफ में। तो हमारे बकरे साथ में हैं, तो इन जो हमारे 3 नए बकरे ना, हम लोग मंडी में बैठाएँगे। देख सकते हैं माशाल्लाह, ये रहा हमारे बकरे। नहीं भाई, ये पिछली बार भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी अब बकरे ऊपर चढ़ रहे हमारे। अरे दूसरा बकरा चढ़ा दिया, अभी हम लोग बैठ गए उमनी में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारे बकरे। बहुत खूबसूरत है यार। तो गाइस पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ अभी। जस्ट हम लोग जा रहे थे ना अपने रास्ते में, तो पुलिस वाले अंकल ने रोक लिया हमारी गाड़ी। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ होगा। बस जो ड्राइवर है हमारे मेहताब अंकल और पापा हैं, उन लोग को बुलाया है बातचीत करने के लिए। बस आई होप ज़्यादा सीरियस बात ना हो और जैसा कुछ होगा मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी देखते हैं, अभी मैं वीडियो भी देखो कैसे चुप चुप के बना रहा हूँ। बार बार वो पुलिस अंकल देख रहे थे, तो अभी देखते हैं कुछ ज़्यादा मैटर ना हो सीरियस। पता नहीं, मेरे को तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है क्या हुआ। हम लोग अच्छा खासा अपने रास्ते में जा रहे थे और पीछे से आवाज़ लगी इन्होंने और इतनी देर में हम रुके। हो सकता है इसमें कुछ बात हो, तो अभी देखते हैं क्या होता है।
सो गाइस अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पापा और मेहताब अंकल आ रहे हैं, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आइडिया है, पर जैसे ही पापा आएंगे ना कार में तो मैं पूछूंगा और पूरी स्टोरी आप लोगों को घर जाकर एक्सप्लेन करूँगा। बाकी कह रहे मैं बहुत थक गया हूँ। चल यार तेरा बकरा भी नहीं खींच पा रहा तू, चलो रस्सी को छोड़े। तो तला कितना खुश है अभी तू 5 बकरे मैं लेकर आ गया हूँ। अगर जुम्मा भी हम नमाज पढ़ने भी जाएंगे उसके बाद फिर पूरा ब्लॉग की स्टोरी बताएंगे। और गाइस आप लोग ने देखा कि हमारे साथ एक सीन हुआ था तो उसकी स्टोरी मैं पूरी बताऊंगा। अभी पहले बकरे सेटल कर दें। बकरा आजा आगे आगे प्यार कर वाले को। ये अल्फा भी कर ले। हाँ मारता लो ना। चल अब सच बताओ कैसे बकरे लगे तेरे को? मुझे सबसे अच्छा ग्रीन वाले लगे। हैं? ग्रीन और इसका वाइट नहीं है। हाँ वो भी अच्छा है जो डार्क कलर का। और अभी चलते हैं यार घर और तेरे को एक स्टोरी बताऊंगा, देख तू हैरान हो जाएगा अभी हमारे साथ क्या सीन हुआ था। अभी हम लोग चलते हैं घर फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस फाइनली अभी मैं आ गया हूँ घर और आप लोग टाइम देख सकते हैं 11:10 हो रहा है। और एक सीन हमारे साथ हुआ था कि पुलिस वाले ने हम लोग को पकड़ लिया था, तो वो पूरी स्टोरी अभी मैं बताता हूँ नमाज के बाद, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गया हूँ और 1 की हमारी नमाज भी है, तो नमाज़ पढ़ कर आते हैं यार फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। 2 hours later सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ जुम्मे की नमाज़ अदा करके और यहाँ पे है मेरे साथ तला। और तला तेरे को बकरे कैसे लगे जो आ जाएँ? गाइस मुझे बकरे बहुत अच्छे लगे। जैसा कि आप लोग को पता है हम आए थे मुनिसापुर बकरा मंडी से अपने घर, तो आप लोग ने देखा होगा हमारे साथ एक सीन हुआ था कि पुलिस वाले ने हमारी कार रोक ली थी, बातचीत पापा लेके और मेहताब अंकल को लेके गए थे। तो क्यों हुआ था कि जैसे कि हम लोग जा रहे थे घर और दो रास्ते थे, एक ऊपर तो हाईवे था और नीचे रोड जा रहा था और एक ऊपर हाईवे था, तो मेहताब अंकल ने नीचे वाले रोड में लेके चले गए और थोड़ी ज़्यादा स्पीड थी तो पुलिस अंकल ने रोका, तो ज़्यादा स्पीड होने की वजह से तो बहुत देर में जाके रुकी थी हमारी कार। फिर पुलिस अंकल आए देखा, इसी वजह से थोड़ा चालान भी कट गया। पहली हमारी गलती ये थी कि थोड़ी ओवर स्पीड हो गई थी, और दूसरी गलती ये थी जो हमारी कार थी ना उसमें हम लोग ने ज़्यादा ओवरलोड वगैरह कर दिए थे, इसी वजह से चालान कट गया। फिर पापा को बुलाया, पापा ने बातचीत करी, मेहताब अंकल ने भी बातचीत करी, तो इसी वजह से चालान थोड़ा कम हो गया, वरना बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता मेहताब अंकल को और उनकी कार भी हो सकती थी जब्त। तूने उनके सामने वीडियो बनाई थी? नहीं मैंने उनके सामने नहीं, मैंने उनके बैग के पीछे से छुपा के बनाई थी। गाइस सीरियसली बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, अच्छा हुआ अब कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, चालान नहीं कटा, वरना हमारे बहुत सारे 5-6 बकरे थे पूरे, अगर वो गाड़ी हो जाती तो फिर हम इतनी दूर से कैसे बकरों को लेके जाते। चालान कट जाता और अल्लाह का शुक्र ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, वरना हमारे बकरे भी सारे चले जाते और पता नहीं क्या हो जाता। बस यही सीन हुआ था हमारे साथ। अगर आपको ये वाला ब्लॉग देखने में मज़ा है तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। थोड़ा टाइम भी निकला और थोड़ा टाइम भी लगा था हमारे वैन को आगे जाने में, फिर इसलिए बहुत देर हम लोग को वहीं लग गई थी। और उसके बाद हम लोग आए फ्रेश हुए, नमाज वमाज पढ़ कर आए, तो अब टाइम है ब्लॉग को एंड करने का। अगर आप लोग को ब्लॉग देखने मज़ा आए तो ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं कोई अपना ब्लॉग डालूँ तो कभी आप उसको मिस ना करें। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।